बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहे खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक में दिन अता फरमाए और जिनके वालदैन फात पा के अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जिनके वालदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको मुस्तकबिल में कामयाबियाँ अता फरमाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाई के साथ शेयर करें, साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँच सके। तो व्यूअर, आज हम किचन में बिरयानी बना रहे हैं। तो मैंने घी चूल्हे पर रखा हुआ है, तो अब हम इसमें करते हैं जो मसाले शामिल। तो ये मैंने गरम मसाला लिया, एक बादियान का फूल लिया, एक बड़ी इलायची है और एक दालचीनी का टुकड़ा है, तीन चार छोटी इलायचियाँ और एक जवतरी का ये है टुकड़ा। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी इसमें खुशबू जैसे ही आने शुरू होती है फिर इसमें हम प्याज डालते हैं। तो मैंने 20-25 सेकंड तक जो मसाला मैंने डाला था मैं उसको फ्राई कर लिया। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया, तो अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो ये प्याज मेरा ब्राउन हो गया। अब मैं 2 चम्मच अदरक और सब्ज मिर्च और मैं लहसुन के डाल उनको फ्राई कर लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज मिर्च का पेस्ट मैंने जो फ्राई कर लिया। अब 2 टमाटर वो मैंने लिए, वो इसमें डाल के तो इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। और साथ ही में मैंने एक चम्मच लिया मैंने सुरख मिर्च का और 2 चम्मच मैंने लिए नमक के और ये मैंने वो लिया बिरयानी मसाला 1 चम्मच और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का लिया। इसके साथ ये शामिल कर देते हैं। ये मसाला मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब जो मैंने चिकन लिया है वो डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। दोपहर के खाने में हम बना रहे हैं बिरयानी और अब बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। दोपहर को हमने खाना नहीं खाया, तकरीबन शाम के 4 बज गए हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी पका रही हूँ। जैसे ये फ्राई होता फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। ये चिकन को मैंने 8 से 10 मिनट तक फ्राई कर लिया और 1 चम्मच ये सूखा धनिया है वो मैंने पीस के इसमें डाल दिया। हमारी लाइट गई थी इसलिए पीसा हुआ नहीं था, तो अब लाइट आई तो अब मैंने इसको डाल दिया। अब मैं इसमें पानी शामिल करने लगी, जैसे पानी में बाल आएगा फिर मैं इसमें चावल शामिल करती हूँ। तो चावल मैंने डाल दिए थे, पानी खुश्क हो गया। अब मैं दम पे रखने लगी हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर वो शामिल कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार है। तो आप भी बनाए ट्राई करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग किस तरह से बिरयानी बनाते हैं। तो मेरी इस तरह से जो रेसिपी मैंने बनाई इसको फॉलो करें तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, इसके साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी वीडियो में आगे होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।